नमस्कार, जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सीबी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रतलाम जिले के जावरा में एक लोडिंग वाहन ने भाई बहन को कुचल दिया, जिससे 15 साल के ऋतिक चौहान की मौके पर मौत हो गई, जबकि बहन सुधा जिला अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। घटना के बाद आरोपी ड्राइवर गाड़ी के मौके पर ही छोड़कर भाग गया। पूरी घटना जावरा के कॉलेज ग्राउंड की है, जहां सुधा चौहान अपने 15 साल के भाई ऋतिक के साथ अपनी बाइक पर घर लौट रही थी। तभी कॉलेज ग्राउंड पर एक गाड़ी MP43G3776, जिस पर मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ था, कि एक शख्स ने टक्कर मारी और दोनों को कुचलता हुआ निकल गया। इस हादसे में भाई ऋतिक की मौके पर मौत हुई और जबकि बहन की हालत गंभीर है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सामने से एक बहन और भाई मोटरसाइकिल पर आए थे, जो गाड़ी वाले की लापरवाही के कारण उनमें टक्कर लगी और वे गड्ढे में गिर गए। मौके पर ही लड़के की मृत्यु हो गई। क्या दोनों छात्र छात्रा थे सर? कहीं पढ़ाई स्कूल वगैरह जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? अभी दोनों की स्थिति क्या है सर? लड़का मौके पर ही कम हो गया था और लड़की भी नॉर्मल है उसके इलाज। जिला ब्यूरो चीफ एजाज शेख की रिपोर्ट।